नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। लोकसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान में महज एक से दो दिन बचा हुआ है और कमोबेश देश समेत बिहार के सभी राजनीतिक दल अपने अपने रणनीति बनाने में, अपने अपने संगठन के विस्तार और मजबूती में जुटी हुई है। इसी सिलसिले में आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के निवास स्थान पटना स्थित निवास स्थान पर आरजेडी के संसदीय दल की केंद्रीय संसदीय दल की बैठक हुई। इस बैठक में कई सारे फैसले लिए गए, जिसमें से एक महत्वपूर्ण फैसला यह लिया गया कि अब जो आरजेडी के जितने भी प्रत्याशी होंगे लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, यानी कि आरजेडी के जितने भी पहलवान जो अखाड़ा में उतरेंगे, उसका फैसला, आखिरी फैसला लालू यादव ही करेंगे। इसके साथ साथ जो साइम्बल इशू करेंगे, जो साइम्बल इशू करती है पार्टी, उस पर भी हस्ताक्षर लालू यादव का ही होगा। आज राबड़ी देवी के निवास स्थान पर बैठक की गई थी केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की। इसमें खुद बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शामिल हुए, राबड़ी देवी भी इस बैठक में उपस्थित थी और राबड़ी देवी इस बैठक की अध्यक्षता की, क्योंकि लालू यादव सजा याफ्ता है, उनका इलाज चल रहा है रांची के रिम्स में, तो उपस्थित थे नहीं, बाहर है नहीं, इसलिए राबड़ी देवी लालू यादव की जगह पे उन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में आरजेडी के तमाम आला नेता भी उपस्थित थे। इस बैठक में सर्वसहमति से यह फैसला लिया गया कि लालू यादव को टिकट बांटने, यानी कि कौन से प्रत्याशी किस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, इसके लिए अधिकृत किया गया लालू यादव को। इसके साथ साथ महागठबंधन में किस दल की क्या स्थिति होगी, कौन से सीट पर चुनाव लड़ेगी, इसका भी फैसला लालू यादव के हाथों में दिया गया। यानी कि महागठबंधन से जो नेगोशिएशन की बात थी, जो पावर था, वो भी कमोबेश लालू यादव के हाथ में दे दिया गया है। इसके साथ साथ आरजेडी ने एक और बड़ा फैसला किया है। आरजेडी का फैसला है कि इस बार जो पुलवामा में जो शहीद हुए हमारे सीआरपीएफ के 40 से ज्यादा जवान शहीद हुए, तो जिस तरीके से पूरे देश में गम का माहौल था, उसको ध्यान में रखते हुए, देश की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आरजेडी ने फैसला किया है कि अब इस वर्ष होली नहीं मनाई जाएगी। आपको पता ही होगा कि लालू यादव के निवास स्थान पर हर साल होली के उपलक्ष्य में बहुत ही धूमधाम से आयोजन होता है, बहुत धूमधाम से होली मनाई जाती है उनके निवास स्थान पर। तो इस बार पुलवामा हमले में पूरा देश इस वक्त गम के माहौल में है और इसी को मद्देनजर रखते हुए लालू यादव के परिवार या उनकी पार्टी का सदस्य कोई भी होली नहीं मनाएगा, ऐसा औपचारिक ऐलान आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है। तो क्या कहा है मनोज झा ने मीडिया को संबोधित करते हुए, आइए हम आपको दिखाते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, हमारे राष्ट्रीय प्रधान महासचिव ने जो राज्य संसदीय बोर्ड का प्रस्ताव आया था, बिहार का हो, झारखंड का हो, अन्य राज्यों का हो, उस प्रस्ताव पर विशद चर्चा के बाद ये तय किया गया कि राज्य में उम्मीदवार चयन पूरे विमर्श के बाद हमारी सारी इकाई ने और संसदीय बोर्ड ने ये तय किया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी इस पर अंतिम निर्णय लेंगे। ये अधिकृत उन्हें केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने जो अलग अलग राज्यों के संसदीय बोर्ड के हवाले से जो सहमति आई थी। दूसरी बात, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत किया गया है कि सम वैचारिक रुझान के दल के साथ गठबंधन की संभावना और उस पर फाइनल मुहर लगाने को उनको अधिकृत किया गया। मैं रिपीट कर रहा हूँ, केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक में विशद चर्चा के बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी को लोकसभा चुनाव और विधानसभा के उपचुनावों के लिए उम्मीदवार चयन करने का को अधिकृत किया गया है। साथ ही समरुझान के दलों के साथ गठबंधन को फाइनल शेप देने का, अंतिम आकार देने का के लिए भी उन्हें अधिकृत किया गया है। हमारे तमाम नेताओं ने विशद चर्चा के बाद ये भी तय किया गया कि पुलवामा में आतंकी हमलों में शहीद हुए जवानों के साथ संजीदगी दिखाते हुए, पूरे मुल्क के साथ एकजुटता दिखाते हुए राष्ट्रीय जनता दल इस वर्ष होली का त्योहार नहीं मनाएगा। तो देखा आपने कि किस तरीके से मनोज झा ने तमाम मुद्दों पे अपनी बात रखी। इसके साथ साथ जो खबर आ रही है वो ये है
कि कल महागठबंधन की के जितने भी दल हैं उनकी बैठक होगी, आरजेडी समेत आरजेडी कांग्रेस उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा और जीतन राम मांझी की हम पार्टी के साथ साथ मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी, इन सभी दलों की कल बैठक होगी पटना में। इस बैठक के बाद एक बैठक और हो सकती है मंगलवार को दिल्ली में और उसके बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा सीट शेयरिंग पर कि किस पार्टी को कितनी सीटों की संख्या दी जाएगी, कौन सी पार्टी किस लोकसभा सीट से लड़ सकती है। और ये कमोबेश अब जो वर्तमान स्थिति है और आरजेडी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मनोज झा ने बताया, हालांकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस था नहीं, पहले खबर ये थी कि तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस को बकायदा संबोधित करेंगे लेकिन उन्होंने प्रेस को संबोधित नहीं किया, उनकी जगह पर आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा है, उन्होंने मीडिया को ब्रीफ किया कि लालू यादव अब सभी चीजों के लिए अधिकृत हैं, वो किस कौन से प्रत्याशी को कहां से लड़ना है ये भी लालू यादव तय करेंगे और जो गठबंधन जो सहयोगी दल है उससे कि उसको कितनी सीट दी जाए, कौन सी सीट दी जाए, इन तमाम मुद्दों पर भी लालू यादव ही आखिरी फैसला करेंगे। तो यानी कि एक बार फिर लालू यादव जो सेंटर पॉइंट बन गए हैं विपक्षी राजनीति के, जो बिहार के विपक्षी दलों की राजनीति है, और रांची के रिम्स से ही आखिरी फैसला आएगा कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कौन सा दल किस सीट पर चुनाव लड़ेगा, आरजेडी की खाते में कितनी सीटें जाती है, ये अब सारी बातें रांची के रिम्स पर टिकी हुई है, लालू यादव पर टिकी हुई है। आगे इस संदर्भ में और भी कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा तो हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।